Good morning children. Today we are going to learn about working with Windows 7. Okay, first is operating system. The most important program of the computer is the operating system. सबसे important computer का जो program है वो operating system है. Because इसी पे ही दूसरे application program run होते हैं. ये नहीं होगा तो कोई भी application आपके नहीं run होगी. जैसे आपके phone के अंदर है Android का जो भी version है वो operating system है. आपके PC या laptop के अंदर Windows 10, Windows 7, Windows 8 ये ऑपरेटिंग सिस्टम है. इट इज़ एन मीडियम थ्रू विच वी कैन इंटरेक्ट विद द हार्डवेयर यूजिंग सॉफ्टवेयर. इसके जरिए ही हम इंटरेक्ट करते हैं हार्डवेयर को, यानी हार्डवेयर को एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग द सॉफ्टवेयर. जैसे कैमरा, कैमरा एक हार्डवेयर है बट उसका एक सॉफ्टवेयर होता है फ़ोन के अंदर, उससे हम उस हार्डवेयर को यूज़ करके कैप्चर करते हैं इमेजेस, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू होता है. ओके, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ प्रोग्राम दैट हैव्स द कंप्यूटर टू कंप्यूटर हार्डवेयर टू वर्क विद द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. इट हैज यूज़ टू गेट आउटपुट फ्रॉम द कंप्यूटर. अ कंप्यूटर इज ऑफ नो यूज विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम. अगर ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सिस्टम में नहीं है, किसी भी गैजेट में, तो वो किसी काम का नहीं है. अगर एंड्रॉयड को आपके फ़ोन से हटा दिया जाए तो वो एक बंद बॉक्स हो जाएगा, डिब्बा हो जाएगा, किसी काम का नहीं. द फर्स्ट वर्जन ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इज विंडोज 95. पहला वर्जन 95 था. Since then, the many version of Windows has been released. The most popular version of Windows are Windows 98, Windows 2000, Windows ME, Windows Me, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, and Windows 10. Windows 10 is latest version. Okay, Windows 7 have become very popular operating system because of the following features. Windows 7 काफी popular हुआ था क्योंकि उसके कुछ features थे. जैसे first, it has a very attractive look with the colorful themes and slideshow. काफ़ी अट्रैक्टिव लुक था, कलरफुल थीम्स थी उसके अंदर. विंडोज 7 के अंदर जो अभी भी यूज़ करते हैं वो इसको यूज़ कर रहे हैं अच्छे से. इट इज़ वेरी इजी टू यूज़, इट वर्क्स द वे विच वी वांट एंड मेक्स न्यू थिंग्स पॉसिबल. ओके, नेक्स्ट इज द टास्क बार ऑफ विंडोज 7 इज मोर फ्लेक्सिबल एंड एप्लीकेशन ओरिएंटेड. वी कैन पिन our favorite programs on the taskbar easily. It support a multitasking and can perform more than one task at a time. Multitasking hoti thi, taskbar uski bahut flexible thi. Okay, aur hum taskbar pe bahut sare software hum pin kar sakte, means quick launch mein use kar sakte. Ek fifth wala jo feature hai jump list is a new feature which takes you straight to the document, pictures, songs, websites that you recently visited. आपने recently जिन इन डॉक को यूज़ किया, पिक्चर सॉन्ग को यूज़ किया, उस पर सीधा जा सकते हो जंप लिस्ट से. ओके, जंप लिस्ट ये अच्छा फीचर्स था इसका, वेरी पॉपुलर. अब स्टार्टिंग विंडो, विंडोज को स्टार्ट कैसे करते हैं. व्हेन यू स्विच ऑन योर कंप्यूटर एंड स्टार्ट विंडो द फर्स्ट स्क्रीन लोडेड अप कॉल्ड डेस्कटॉप. आपको पता है डेस्कटॉप क्या है. पहली स्क्रीन जब विंडो लोड होता है तो वो डेस्कटॉप कहलाती है. फर्स्ट स्क्रीन वो ऐसी होती है. ओके, दिस इज़ अ डेस्कटॉप. द डेस्कटॉप कंटेन स्मॉल पिक्चर दैट्स आई नेम सच एज कंप्यूटर रिसाइकल बीन दीज स्मॉल पिक्चर्स कॉल्ड आइकन्स. अब ये छोटे छोटे पिक्चर्स जो दिख रहे हैं ना, ये सारे आइकन्स हैं. ये सारे आइकन्स किसी न किसी प्रोग्राम्स के होते हैं. ओके, द आइकन्स रिप्रेजेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स, फाइल्स एंड फोल्डर दैट कैन बी ओपन बाई डबल क्लिकिंग ऑन द पर्टिकुलर आइकन्स. ये किसी फाइल, फोल्डर या शॉर्टकट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर हम ओपन करना चाहें तो जस्ट वी हैव टू डबल क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर आइकन. ओके, टू ईजी. ओके, नेक्स्ट इज स्टार्ट बटन. एट द लेफ्ट कॉर्नर, एट लेफ्ट साइड ऑफ द टास्क बार देर इज अ बटन. दिस इज कॉल्ड स्टार्ट बटन, दिस वन. सो स्टार्ट बटन, when we click on the start button, a menu display the major options appear. These options provide access to the main program of computer. This provided by the most used button on the Windows desktop. ab ye jo click karte hain Windows desktop ke is button pe, start button pe, to start menu open hota hai. us pe sare programs available hai jo aapke computer mein hai. okay, it's enough for today. in next class we are going to learn about computer icons and many more things. okay, be ready for the next class. Files, folder, etc. Bye.